है वेलकम बैक। आई एम वो धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है सर ट्रांसलेशन नहीं बन पाता, ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं हो पाता सर, ऐसे नहीं लिख पाते, राइटिंग नहीं कर पाते, आई एम अनेबल टू राइट एनीथिंग एल्स। आज के बाद भारत में कोई सेंटेंस हो, तूफान सेंटेंस हो, ऐसे राइटिंग हो, प्रेसिस राइटिंग हो, कुछ भी तुमने सोचा ना अंग्रेजी में, कुछ भी सोचा ना हिंदी में, तुम इजिली ट्रांसलेट कर सकते हो, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो। बस जो दे रहा हूं ना इसी को फॉलो करना, कुछ मत सोचना, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो दे रहा हूं बेटा इसको सीखो, यही होगा। यूट्यूब में जाके भटकना नहीं दस जगह कि हाँ उसने कहा इतना दिमाग, जो दिमाग में आए बस लिखना शुरू कर दो, और नहीं आए तो मुझे कमेंट करो। पूरा एनसीईआरटी ले लो, तुम पूरा पेपर ले लो हिंदी का, कोई भी हिंदी का किताब ले लो, नॉवेल ले लो, और आज बैठ जाओ लिखने के लिए, तुम्हें अंग्रेजी आज से ही आएगा। और एक गारंटी है, वीडियो अंत तक देखो और देखो कि तुम्हें लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले ये सेंटेंस दिया हमने, इस पर हमने वीडियो और बनाया हुआ है जिस पर आपने 70 लाख व्यूज दिए हुए, आप देख रहे हो, उसी का एक छोटा भाई है, आप देखो गौर से। यहां पे मैंने कहा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की बाध्यता है। सबसे पहले आप जानो कि यहां पे हम लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए, आप कहोगे सर सब्जेक्ट चाहिए, फिर कहोगे कि सर वर्ब चाहिए, फिर कहोगे कि सर अदर वर्ड चाहिए। अब जरा सेंटेंस देखो, इसमें कहीं सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, तो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो अंग्रेजी नहीं बनेगा। सब्जेक्ट है, हम लोग को ढूंढना है। सबसे पहले अंग्रेजी की बाध्यता क्या है ये जानते हैं करने के लिए, कि आखिर सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो सबसे पहले आप बेसिक जानकारी लो, फिर हम लोग देखेंगे कैसे अंग्रेजी बनेगा। सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, पता है सबको, और नाउन सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल, राइट। अब यहां पे सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन, प्रोनाउन हो सकता है, अगर प्रोनाउन है तो ये भी हो सकता है सिंगुलर, ये भी हो सकता है प्लूरल। सब्जेक्ट होने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए कि नाउन है प्रोनाउन है, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं हो तो इसका मतलब कि जेरंड भी हो सकता है सब्जेक्ट। जेरंड का मतलब होता है बच्चे V1 प्लस आईएनजी, और ये होता है सिंगुलर। सब्जेक्ट होने के लिए हमें चाहिए इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1, और ये भी होता है सिंगुलर, ठीक है। इसके साथ साथ हमने कहा कि सब्जेक्ट हो सकता है आपका इट, यानी इट कहीं लगाओ वो भी हो सकता है सब्जेक्ट, यहां इसके साथ इज लगाना यानी कि ये होता है सिंगुलर, यानी इट क्या होता है सिंगुलर। तो हमने कहा नाउन हो सकता है सिंगुलर प्लूरल दोनों, हमने कहा प्रोनाउन हो सकता है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, हमने कहा जेरेंड, जेरेंड का मतलब V1 प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी लगा होगा, बस समझना बढ़िया से, आईएनजी ये हमेशा होगा सिंगुलर, यानी जेरेंड ऑलवेज होगा सिंगुलर। हमने बात करा इन्फिनिटिव्स का, इन्फिनिटिव मतलब 2+V1, ये भी हो सकता है सब्जेक्ट लेकिन ये क्या होगा सिंगुलर, वर्ब क्या रहेगा सिंगुलर। अब यहां करें इट इज तो इट भी होगा सिंगुलर, हम बात करें देयर का तो देयर जो हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब करके देखते हैं, हमने कहा राम होगा तो इज, राम एंड मोहन होगा तो आर, हमने कहा ही होगा तो इज, ही एंड सी होगा तो आर, हमने कहा जेरन, आपने सिगरेट पे देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हमने कहा टू वॉक, इन्फिनिटिव का मतलब क्या 2+V1, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक टू स्लीप इज नेसेसरी, तो टू क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, यहां पे इट इज नेसेसरी हमने काम करा। इतना चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे चलते हैं और ट्रांसलेट इन इंग्लिश। आज के बाद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में कभी दिक्कत नहीं होगा, आज आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। दुनिया का कोई तूफान सेंटेंस हो यहां पर फटाफट देखो, सेंटेंस कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की बाध्यता है। अब देखो इसमें नाउन कहीं नहीं है, आप देखो किसी का कोई नाम है क्या, कोई नाम है इसमें नहीं ना, यानी नाउन फ्लॉप कर गया। हमने कहा प्रोनाउन, बोलो यहां पे कहीं कोई प्रोनाउन है क्या, नहीं है, फ्लॉप। अब बात करें जेरंड है क्या, तो जेरंड सर कैसे पहचानेंगे, हिंदी लिखा हुआ है, तो जिस शब्द के अंत में न वर्ड लगा हो, जिस शब्द के अंत में ना वर्ड लगा हो या लगाने पर लग जाता हो, या तो वो हिंदी में जेरंड होगा या फिर 2+1 इन्फिनिटिव होगा, और वो काम कर सकता है किसका सब्जेक्ट का। हमने कहा मेहनत करना, अब देखो यहां पे, तो मेहनत करना यहां पे काम कर सकता है सब्जेक्ट का, और मेहनत करना हो सकता है तुम्हारा सब्जेक्ट। दूसरा काम करें कि भाई बाध्यता है,
क्योंकि है वर्ब लगा है और वर्ब लगा है तो उससे पहले जो वर्ड होता है वह भी हो सकता है सब्जेक्ट, यानी वो बाधता है या इट वाला काम कर सकता है, यानी इसमें सब्जेक्ट यह भी काम कर सकता है और यहाँ पे अगर हम इट लगा के इसको काम करें तो यह भी काम कर सकता है सब्जेक्ट का, क्योंकि बाधता है से पहले होने का प्रयास का सब्जेक्ट, यानी इट इज कंपल्सन। यानी इसको अंग्रेजी हम दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले दो काम और ध्यान देना है और वो ध्यान क्या देना है वो समझिए। हमने कभी नहीं कहा आपको कि आगे से चलो पीछे से चलो, हमने आपको कहा एक पॉइंट, और पॉइंट कहता है कि आप सबसे पहले कनेक्टर्स को पकड़ो, टू द पॉइंट बेटा, भटको मत, यहां भटकाने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, टू द पॉइंट काम करो। कनेक्टर्स का मतलब जो जोड़ता हो, जो सेंटेंस वर्ड को जोड़ रहा हो, इंसान की बाध्यता, एक की मिल गया, एक मिल गया के लिए, अब यहां ध्यान दो, यहां पे के लिए भी एक कनेक्टर्स है, इसको ध्यान दो, फिर हमने कहा मैं, यह भी एक कनेक्टर्स है। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस मुझे बता दो जो विदाउट कनेक्टर्स हो, भटक क्यों रहे हो कि हु से क्वेश्चन पूछो, वाई से क्वेश्चन पूछो, होम से क्वेश्चन पूछो, कुछ नहीं पूछना है। आप सेंटेंस जो दिमाग में आए सोचो, अंग्रेजी लिखो। कैसे? हमने कहा की कनेक्टर्स है, के लिए कनेक्टर्स है, मैं कनेक्टर्स है, और कनेक्टर्स जब भी होगा तो सेंटेंस हमेशा आगे और पीछे का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, यानी जीवन में, तो जीवन में ऐसे जाएगा अंग्रेजी। हमने कहा इंसान, हर इंसान की, तो इसका अंग्रेजी ऐसे ही बनेगा। अब देखो के लिए, तो आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी ऐसे ही बनेगा। अब कैसे उसको फ्रेम करोगे? तो सबसे पहले क्या ढूंढो सेंटेंस में? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमने दो लिया, तो पहला इसका अंग्रेजी क्या होगा वो ध्यान देते हैं। हमने कहा मेहनत करना, मेहनत करने का दो अंग्रेजी होता है, या तो बोलो टू लेबर, या तो तुम टू लेबर बोलो, ये हो गया इन्फिनिटिव, या तो बोलो लेबरिंग। हमने यहां से लिया, अब लेबरिंग लिया, तो लेबरिंग किस लिए? अब यहां पे हमने दिया के लिए, के लिए का दो अंग्रेजी होता है, टू का मतलब भी होता है के लिए, और फॉर का मतलब भी होता है के लिए। तो यहां हमने यार टू लेबर किस लिए भाई? आगे बढ़ने के लिए। तो हमने कहा ना, देखो ऐसे चलूंगा यहां से, तो आगे बढ़ने के टू लेबर, टू डेवलप, टू लेबर, टू डेवलप, कहा भाई? जीवन में। तो हमने कहा इन, इन का मतलब में होता है, पता सब आपको होगा, तो इन लाइफ, इन लाइफ, यहां तक। अब इसमें कहीं भी वर्ब आया क्या? आपको जस्ट पहले कहा था कि अंग्रेजी बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। बिल्कुल टू द पॉइंट, देखो चार बार देखो इस वीडियो को, हमने कहा टू लेबर या लेबरिंग, टू डेवलप, इन लाइफ, यहां से यहां तक अंग्रेजी क्या हुआ? बन गया। अब बच क्या गया? हर इंसान की बाध्यता है, तो सब्जेक्ट यहां से यहां तक काम क्या कर गया? एज अ होल सब्जेक्ट का। कनेक्टर्स मिल गया तो आपको मिल गया क्या? सब्जेक्ट, राइट right? अब यहां पे हम कहां चला? देखा ध्यान से आपने, कनेक्टर्स को हम लोग पीछे से लेते हैं। अब यहां पे हम लगाएंगे क्या भाई? वर्ब। वर्ब क्या है? यानी इज, इज का मतलब क्या हुआ? है। अब क्या है बाबू? बढ़ता है। तो टू लेबर या लेबरिंग, टू डेवलप इन लाइफ इज कंपल्सन, इज कंपल्सन, किसके लिए? का के की। तो यहां से ऐसे चलेंगे हम लोग, तो क्या हो गया यहां पर? ऑफ। तो यहां पर लगा लो कंपल्सन ऑफ एवरी, एवरी मैन, एक तो यह बन गया हम लोगों का, तो टू लेबर या लेबरिंग, टू डेवलप इन लाइफ इज कंपल्सन ऑफ एवरी मैन। जब तुम हिंदू पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, ऐसे ही लैंग्वेज लिखे होते हैं ना, तो आपका तो समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि सब्जेक्ट का पहचान नहीं होता है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, क्या चाहिए? जेरंड चाहिए, इन्फिनिटिव चाहिए। यहां पर है क्या? इन्फिनिटिव है, जेरंड है। एक काम क्या कर गया सब्जेक्ट का, एक तरह से काम यहां देखा हमने। कॉन्सेप्ट नंबर टू, इसको आपने लिख लिया। अब कॉन्सेप्ट टू देखिए फटाफट, इसी में वो देखें कि को अलग तरीके से मैं कैसे बना सकता हूं, सेकंड फेज क्या हो सकता है। हमने कहा बाध्यता है, किसकी बाध्यता है भाई? हर इंसान की बाध्यता है। तो बाध्यता है यानी हमने करा इट इज कंपल्सन, तरीका देखो बस, इट इज कंपल्सन, इट इज कंपल्सन किसका? हर इंसान का। हमेशा क्वेश्चन पूछो क्या, किसको क्वेश्चन पूछना है, तो बाध्यता है किसकी? हर इंसान की। तो इट इज कंपल्सन ऑफ काका की, ऑफ किसका? एवरी मैन, एवरी मैन किस लिए भाई? मेहनत करना, तो मेहनत करना टू लेबर, टू लेबर किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए हर समय मैं क्या कर रहा हूं? दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो आप नहीं बना सकते हो, एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ सब बन जाएगा। तो मैन टू लेबर, टू डेवलप करो चाहे प्रोग्रेस करो, टू डेवलप किस लिए भाई? टू डेवलप इन
लाइफ हो गया. हमने कहा इट इज कंपल्सन ऑफ एवरी मैन टू लेबर टू डेवलप इन लाइफ. हजारों, मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं दे रहा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको जगाना चाहता हूं. आप जागो और एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, एक संदेश मैं दे दूंगा अपने मन से बना करके, कुछ नहीं होना. इस सेंटेंस को जितना मर्जी करे उलट लो पुलट लो, जैसे मर्जी कर लो, कनेक्टर्स के बिना सेंटेंस नहीं होता. मैं खाने के लिए जा रहा हूं, के लिए आ गया, कनेक्टर्स आ गया. भारतीय सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, वहां पे के लिए आ गया कनेक्टर्स. तो सेंटेंस में ढूंढो क्या, कनेक्टर्स. अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना, सबसे आसान प्रोसेस दे रहा हूं, उतना दिमाग मत लगाओ. सबसे सिंपलेस्ट में जो मन में आए, व्हाट एवर कम्स टू माइंड, लिखो बोलो सोचो हर चीज को और चलने का प्रयास करो विथ कनेक्टर्स. अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा. और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूरे भारत में क्रांति फैल जाए और हर बच्चा अंग्रेजी बोलना लिखना उसका अधिकार है और वो सीख जाए. ठीक है, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे. फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में. आप लेकर के बनाना शुरू कर दो, फिर बनाते हैं ऐसी वीडियो और भी मजेदार. थैंक यू.